न्यूज़पीके के सभी दर्शकों का मैं नवीन विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, कोरोना के खराब दौर में शासन प्रशासन हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहा है। हमारी अपील है कि नियमों का पालन करें और कोरोना से इस जंग में प्रशासन का सहयोग करें। फिलहाल वक्त है इस खास खबर का। कोरोना महामारी के दौरान प्राथमिक विद्यालय राजापुर के प्रधान अध्यापक मोहनलाल सुमन के द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। प्रतियोगिता में देश भर से बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। 3 बार राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित एवं हमेशा ही अपने नवचारों से चर्चित मूल रूप से गरोठा के रहने वाले मोहनलाल सुमन के द्वारा ऑनलाइन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जल संरक्षण, कोरोना वायरस, डॉक्टर आदि शक्ति, भोलेनाथ, राधा सैनिक, परी जैसे कई स्वरूपों में नजर आए, जिन्होंने अपने प्रस्तुति के माध्यम से कुछ न कुछ शानदार संदेश दिया। वहीं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में अतिथि निर्णायक के रूप में नोएडा से बंदिना भटनागर मौजूद रही, जिन्होंने प्रतियोगिता के अंत में रिजल्ट जारी किया, जिसमें आशीष अग्रवाल व बिट्टू दास ने प्रथम स्थान, सानवी गुप्ता, आराध्या कुमारी ने द्वितीय स्थान एवं त्रसा साहू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही आदित्य दास, सौम्या अग्रवाल, जसवी, मानस, अंशिका, यसिका आदि ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके पहले चित्रकला, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा चुका है। मोहनलाल सुमन ने बताया, आगे डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, काव्य गोष्ठी, लाफ्टर चैलेंज, क्राफ्ट, सामान्य ज्ञान आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। गरोठा से हेमंत यादव की रिपोर्ट।